जनता को जो उनका अधिकार है, उनका राशन है, उससे वंचित रख रहे हैं, और डोर टू डोर जो डिलीवरी होनी चाहिए राशन का, कहीं ना कहीं इस डोर टू डोर डिलीवरी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है। हकीकत क्या है? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने, अर्थात केंद्र सरकार ने, दिल्ली की लगभग 72.78 लाख लोग जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए मोदी जी ने क्या किया है और क्या दिया है जहां तक राशन का संबंध है। देखिए, दो स्कीम है अभी। एक स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको NFSA कहते हैं, और दूसरा स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आप जानते हैं, मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं कोविड के समय में। तो ये दो स्कीम के अंतर्गत दिल्ली में भी जो गरीब बंधु हैं, उनको भी, जो मजदूर हैं जिनको आवश्यकता है, उनको भी मोदी जी राशन पहुंचा रहे हैं। कितना राशन अभी तक पहुंचाया गया है और कितना पहुंचा है, इसका हिसाब किताब हम देंगे। देखिए, याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी हिसाब किताब में विश्वास रखती है, ड्रामा में नहीं। हम चाहते हैं कि हकीकत आपके सामने जाए। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसके अंतर्गत 37,400 मेट्रिक टन राशन या अनाज आज तक दिल्ली को मोदी जी ने भेजा है, और दिल्ली सरकार ने, जो उन्होंने खुद हिसाब दिया है, कि मई के महीने में इसका लगभग 90% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और दूसरा स्कीम जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का है, में मई जून, अभी जून महीना चल रहा है, और मई जून और जून के 5 तारीख तक का आपको हिसाब दूंगा। इन दोनों महीनों में जो दिल्ली का कोटा है, उससे अधिक 72,782 मेट्रिक टन यह अनाज जो है मोदी जी ने दिल्ली को भेजा। दिल्ली ने कितना उठाया? दिल्ली 53,045 मेट्रिक टन ही उठा पाई, अर्थात सारा उठा नहीं पाई, इतना ही उठा पाई। और ये जो 53,000 मेट्रिक टन उठाया है उन्होंने अपने कोटे में से, उसका मात्र 68% ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, मात्र 68% ही वो बांटने में समर्थ रहे, बाकी वो बांट नहीं पाए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे आंकड़े नहीं दिए। पहला आंकड़ा जो अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं दिया वो यह है कि ये जो NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का स्कीम है, इसके अंतर्गत कितना पैसा, ये एक सब्सिडाइज स्कीम है, अर्थात इसका पैसा जो है वो केंद्र सरकार देती है, और एक बहुत मिनिमम पैसा जो है वो राज्य सरकार देती है। अरविंद केजरीवाल जी कितना पैसा देते होंगे, मिनिमम जो पैसा है वो कितना देते हैं, और मोदी जी कितना देते हैं? अब देखिए, दो राशनों की बात करेंगे हम, एक तो गेहूं की बात करेंगे और एक हम चावल की बात करेंगे। जहां तक गेहूं का सवाल है, गेहूं अरविंद केजरीवाल जी मात्र 2 रुपए देते हैं और मोदी जी देते हैं गेहूं पे 23.73 रुपीज। कुल मिलाकर गेहूं का जो रेट है, मार्केट रेट है, वो 25.73 रुपीज है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी 2 रुपए देते हैं, अर्थात दिल्ली सरकार 2 रुपए देती है। ठीक उसी प्रकार चावल में अरविंद केजरीवाल जी मात्र 3 रुपए देते हैं और मोदी जी देते हैं 33.79, अर्थात केंद्र सरकार देती है 33.79 रुपीज और राज्य सरकार देती है 3 रुपया। मैं ऑडियो नहीं आ रहा है, इसको अनम्यूट करता हूं। तो स्वाभाविक रूप से आप देखिए, जो अधिकांश रेट है वह केंद्र सरकार देती है और एक बहुत मिनिमल अमाउंट जो है वो राज्य सरकार देती है, मगर उसमें भी जिस प्रकार की राजनीति हो रही है वो हम सब देख रहे हैं। बंधुगण, ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, यह एक राष्ट्रीय स्कीम है, यह एक नेशनल स्कीम है। ये पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में एक यूनिफॉर्म स्कीम के अंतर्गत काम करती है, यूनिफॉर्मिटी के साथ काम करती है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो, हर राज्य में यूनिफॉर्मली काम करती है और कोई भी राज्य इसको डिसरप्ट नहीं कर सकता है। कोई भी राज्य का यह अधिकार नहीं है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को बंद कर दे और अपने तरीके से उसी स्कीम में से स्कीम निकाले। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी वाकई गरीबों के बीच में इसके अतिरिक्त कोई राशन बांटना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि
वो गरीबों का कल्याण करे, इसके ऊपर कर कल्याण करे, तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी राशन प्रोक्योर कर सकते हैं, जो केंद्र सरकार देती है उसके अलावा भी राशन खरीद सकते हैं और नोटिफाइड रेट में खरीद सकते हैं, अर्थात जो रेट मैंने आपको कहा उस रेट के अलावा भी, उस रेट के अलग भी, जिस रेट में बंगाल को मिलेगा, जिस रेट में झारखंड को मिलेगा, जिस रेट में उड़ीसा को मिलेगा, जिस रेट में उत्तर प्रदेश को मिलेगा, उस रेट में भी अनाज खरीद करके वो अलग से अपनी स्कीम चला सकते हैं, वो उसका कोई भी नामांकन रख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना तो केंद्र सरकार को होगी ना तो किसी को आपत्ति होगी, दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। मगर जिस प्रकार से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र उनको उनका स्कीम चलाने नहीं दे रही है, ये गलत है। दूसरा विषय है अरविंद केजरीवाल जी का ये जो स्कीम है, जो घर घर राशन वाला स्कीम है, उसमें एक बहुत बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है उसको बड़ी चतुराई के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने छुपा दिया। उसमें एक प्रावधान है कि आप ये जो राशन है जो आप फेयर प्राइस शॉप में पाते हैं, उस राशन को दिल्ली के कुछ एजेंसीज उठा लेंगे और जैसे कि गेहूं है उसको आटा बनाया जाएगा और जैसे चावल है उसकी सफाई की जाएगी और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिल्ली की सरकार लगाएगी। देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज के विषय में नहीं बताया गया है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी राज्य लगा सकती है, जो केंद्र के नियम है उन्हीं केंद्र के नियम के मुताबिक चलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज कोई लगा नहीं सकता है। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस महत्वपूर्ण विषय को कि गरीबों से वो कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते थे, इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी बताते नहीं है, इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी छुपा देते हैं। और केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप कोई भी केंद्र का जो कानून है, केंद्र का जो स्कीम है, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगा करके उसे अलग तरीके से राज्य में रख नहीं सकते।